जो कल का असाइनमेंट था जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, तो ये असाइनमेंट था कि जांच करें आप सुविधाओं से सुखी होने का प्रयास करते हैं या शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। क्या आप भौतिक सुविधाओं का उद्देश्य शरीर के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग के रूप में देख पा रहे हैं? अन्यथा नहीं। क्या आप निम्नलिखित के लिए भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता को सही निर्धारण कर पा रहे हैं? जैसे कि आपके बच्चों की शिक्षा, आपके बच्चों की शादी, आपके शरीर का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, आपके परिवार के लिए घर, बुढ़ापे में खर्च। और इसके अलावा ये भी देखें कि क्या आप भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता को अपनी आय या बजट से पहचानते हैं या शरीर की आवश्यकताओं की सही समझ से। भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए परिवार में कुल आय, संपत्ति और देनदारियों का भी आकलन करें। आप अपने घर में मौजूद वस्तुएं जैसे कि फर्नीचर, कपड़े, किताबें, गैजेट्स आदि की एक सूची ले सकते हैं और जांच सकते हैं कि आप इनका सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं। और अपने निरीक्षण के निष्कर्ष को अपने जर्नल में हमने नोट करना था। तो ये हमारा कल का गृह कार्य था और जिन भी साथियों ने इस पर निरीक्षण किया और अपनी शेयरिंग को रखना चाहते तो हैंड रेज कर सकते हैं। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। जैसा दीदी असाइनमेंट्स को बारे में अभी डिस्कशन कर रही थी कि ये असाइनमेंट कल आप लोगों के साथ साझा किया गया था, तो उस पर जिन भी साथियों में कुछ ऑब्जर्वेशन है या कोई क्वेश्चन है उसको शेयर कर सकते हैं जी। जी नमस्कार जी, सभी सभी साथियों को नमस्कार। सर मैंने कल थोड़ा सा विचार इस चीज़ के बारे में किया था, ये जो असाइनमेंट है, क्योंकि मेरे को लगता था कि मेरे बहुत क्लोज है, मैं इसमें से मेरा विचरण हो रहा है और मैं एक ऐसी स्टेज के हूँ, ऊपर हूँ, जहाँ पे मेरी एक दुविधा बनी हुई है। तो इसमें जो असाइनमेंट थी उसमें ये था कि फिजिकल फैसिलिटीज जो है, क्या उसको हम राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर निभा पा रहे हैं या उसको दे पा रहे हैं। उसमें कि बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादियां, जरूरत अनुसार फैमिली की शेल्टर, अपनी सेहत की सुनिश्चितता और वृद्धावस्था जो है उसका निर्वहन। तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि जहां तक बच्चों की एजुकेशन और शेल्टर का सवाल रहा, तो मेरी एज जो है वो अब 58 ईयर्स है इस टाइम के ऊपर, और मेरी वाइफ जो है शी इज ऑल्सो इन सर्विस, तो उनकी भी आयु जो है लगभग 55 के आसपास है। तो इस स्टेज पे हम देख रहे थे कि बच्चों की जो एजुकेशन है उसको हमने अपने हिसाब से ठीक तरह से करने की कोशिश की। दोनों बच्चे जो है वो डॉक्टर बन गए, एक बन गया है, दूसरा अपनी इंटर्नशिप कर रहा है, और दूसरा जो घर जरूरत के अनुसार था, जितना हम कर पा रहे थे, जो हमारा जो बजट अलाउ करता था, उसको हमने कर लिया। लेकिन अब जो सवाल है वो ये है कि अब जो आगे का फेज आएगा उसमें जो हमारा सेहत का है वो भी इशू आने शुरू हो गए, लेकिन उसको हम कुछ हद तक मैनेज कर पा रहे हैं अपने रिसोर्सेस के साथ, फिजिकल एक्टिविटी के साथ, मैनेजमेंट के साथ। जो मेजर एरिया है वो है आने वाला समा जो है उसके अंदर जो पड़ाव आएगा वो आएगा बच्चों की शादियों का, और उसके बाद जो आएगा वो वृद्धावस्था। तो ये दोनों चीजें ही रिसोर्सेस के कारण कॉम्प्रोमाइज्ड है इस स्थिति में। एक तो मैं प्राइवेट सर्विस में हूँ, तो जितने भी रिसोर्सेस थे मेरे और वाइफ के वो बच्चों की एजुकेशन में चले गए या शेल्टर को अरेंज करने में चले। अब आने वाला जो समय है उसके अंदर लग रहा है कि हम इन चीजों को ठीक से मैनेज शायद नहीं कर पाएंगे। अब मेरी जो दुविधा है वो ये है कि क्या जब हमने बच्चों की एजुकेशन के बारे में ये डिसीजन लिया कि भाई इतना महंगा रास्ता है, जो क्या वो गलत था या वो सही। दूसरी बात यह है कि अगर वो गलत था हमारे रिसोर्सेस को देखते हुए, तो क्या हमें वो रास्ता छोड़ देना चाहिए था कि बच्चे तो इस लेवल पे थे कि वो मेडिकल फील्ड में जा सकते थे, लेकिन क्या हम अपने संसाधन जो है उनको ले उनकी जो लिमिट को देखते हुए, अपने एसेट्स और बजट को देखते हुए, क्या हमें ये डिसीजन जो है उस समय बदल देना चाहिए था, उनको किसी और फील्ड में उतार देना चाहिए था। तो ये कल से एक दुविधा बनी हुई है कि इसमें सही क्या था, क्या बच्चों की एक महंगी एजुकेशन का चुनाव
वो सही था या गलत था, या अगर हमने वो मतलब गलत कर लिया तो फिर अब आने वाले समय में इन चीजों का क्या सलूशन है। तो इस दुविधा से मैं कल से नहीं निकल पा रहा, तो सोचा आज अपनी बात यहाँ पे आप लोगों से शेयर करूंगा कि आपकी तरफ से क्या इनपुट आती है कि मेरा जो है अपना सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, जो असेसमेंट ऑफ द जो अपनी एसेट्स थी, बजट था, इनकम थी, रिसोर्सेस थी, क्या उसमें कोई आकलन करने में गलती रही। तो ये सारी चीज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा। जी भैया, अच्छी बात है कि आप ये सारा एक्सप्लोरेशन अपने भीतर देख रहे हैं, सुविधा की आवश्यकता को पहचानने का भी एक काम कर रहे हैं, और जो इनकम है और जो खर्चे हैं उन सब का एक आकलन लगा रहे हैं, और आपने ये जो इसमें बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य और ये बहुत सारे मुद्दों का जो आपने विश्लेषण किया, उसमें दो मुद्दों को आपने कहा कि वो अभी चैलेंज के रूप में आप देख पा रहे हैं। एक तो भविष्य में जो बच्चों शादी पर होने वाला खर्च है, और दूसरा बुढ़ापे का जो फ्यूचर में जो वृद्धावस्था में आने वाला खर्च है उसको कैसे किया जाएगा। बाकी तो आप कर पाए हैं। उन दोनों को अगर मैं एड्रेस करूं भैया, तो ठीक से देखने जाएं तो हम लोगों ने एक परिवार व्यवस्था बना रखी है। समाज में परिवार व्यवस्था का एक सिस्टम है जिसमें 3 पीढ़ियां, 2 पीढ़ियां, कम से कम 3 पीढ़ियां तो अपेक्षित रहती हैं। आपने एक तरह से लग करके अपने जो दोनों बच्चे हैं उनको आपने एक जो भी उनके पढ़ाई पर या उनके भविष्य की तैयारी के लिए जो व्यवस्था करना था वो किया। अभी अगर दोनों को मिलाकर देखें तो उन बच्चों के अच्छी पढ़ाई में हमने अगर उनको कमाने योग्य बना दिया है, साथ साथ अगर समझ और संबंध भी सुनिश्चित कर पा रहे हैं, उनके अंदर समझ में भी सुनिश्चित कर पा रहे हैं और संबंध के प्रति भाव भी उनमें सुनिश्चित करने के लिए उनका सहयोग कर पा रहे हैं, ये तीनों अगर कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे देखेंगे तो हमारा ये जो बहुत सारा जो शरीर हमारा एक तरह से शरीर हमारा जब वृद्धावस्था की तरफ जाता है और हम इतनी अर्निंग नहीं कर सकते, तो उस समय ये बच्चे भी हमारी जिम्मेदारी को उठाते हैं। परंपरा में हम लोग उठाते ही रहे हैं और ये परिवार परंपरा का एक पार्ट ही रहा है। तो चूंकि एक भाग तो बहुत अच्छे से हो गया है, हमने बच्चों के ऊपर सुविधा खर्च करके उनको सुविधा कमाने योग्य बना दिया है, और देखेंगे तो जो आगे बच्चों में संबंध को लेकर के समझ को सुनिश्चित करना है, अगर उस पर एफर्ट किया जाए तो बहुत सारा जो ये हमारे को शरीर अस्वस्थ होने के बाद क्या होगा या बुढ़ापे में क्या होगा, उसके बहुत सारे जो शंकाएं हैं उनका समाधान निकलता हुआ दिख पाता है। मेरे को तो ऐसा लगता है, और हर माँ माँ बाप बच्चे को एक अच्छा भविष्य देना ही चाहता है, जो जिस भी अच्छे भविष्य को वो मान रखा है या समझ रखा है उसके तहत वो प्रयास करता है। आपने भी किया है। अभी मुझे जो लगता है अभी वर्तमान में वो तो बच्चों को भी अगर हमने ये समझ दे पाए कि जो सुख है वो स्वभाव है, प्रभाव नहीं है, तो वो भी जब कमाएंगे तो बहुत सारा धन प्रभाव में नहीं खर्च करेंगे। बहुत सारा धन उनका स्वभाव से सुख ढूंढने के बाद प्रभाव के लिए होने वाला खर्च बचेगा, तो उस धन का वो सदुपयोग कर पाएंगे अपने लिए भी, आपके बुढ़ापे के लिए भी, और उस धन के साथ साथ आपको जो समय की जरूरत होगी वृद्धावस्था में वो भी दे पाएंगे। लेकिन बच्चे भी अगर स्वभाव से सुख को नहीं देख पाए, प्रभाव से ही सुखी होने का काम करते रहे, तो चाहे जितने भी अच्छे कैरियर में आप डाल दें, अच्छा कैरियर आई मीन जिसको आज मान रहे जिसमें ज्यादा पैसा है, अगर जितने भी ज्यादा पैसे वाले कैरियर कैरियर में आप डाल दें तो हो सकता है आपको धन दे दें या हो सकता है आप धन एकत्रित कर लें, लेकिन एक स्थिति के बाद जो शरीर को सपोर्ट की जरूरत रहती है जिसमें कि अगली पीढ़ी को हमारे साथ समय लगाने की जरूरत पड़ती है, वो समय उनके पास नहीं होता और संबंध के प्रति अगर समझ नहीं होती तो उसके उसकी प्रियोरिटी भी नहीं देती। तो मुझे लगता है समाधान के रूप में हम तो स्वभाव से सुखी होने का जो समझ रहे हैं वो एक जरूरी पार्ट है, लेकिन साथ साथ अगली पीढ़ी को भी इस समझ के तरफ ध्यान दिलाना, उनका अभ्यास कराना, ये भी एक जरूरी पार्ट दिखता है। तो इस तरह के शंकाओं से हम मुक्त हो सकते हैं। जी 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 सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ा संतुष्टि पूर्ण एक जो है आपने
आपका जवाब जो है इस सुविधा के लिए मिला है तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। भैया नमस्ते। हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से जो चर्चाएं की उनको अगर देखने जाएं तो हम लोगों ने चर्चा को शुरू किया था, सुख स्वभाव है या प्रभाव है। फिर इस पर चर्चा किया कि अगर प्रभाव से सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं तो दो तरीकों से प्रयास कर रहे हैं। अनुकूल संवेदना पाने के लिए, के अनुकूल संवेदना का आस्वादन पाने के लिए सुविधाओं को इकट्ठा करना, लोगों से अनुकूल भाव पाने के लिए सुविधा धन पद वैभव इत्यादि का होना के ऊपर, और एक तीसरे सोर्स पर ध्यान गया, स्वभाव, जो अपने में सही समझ और सही भाव की प्रक्रिया से सुनिश्चित होता है। ये तीनों तरीके आपके ध्यान में आए हैं, आप इस पर अभ्यास कर रहे हैं, जांच परख कर ही रहे हैं। फिर हम लोगों ने सुख को भी समझने का प्रयास किया कि सुख हमारे लिए क्या है और दुख क्या है। तो सुख को हम लोगों ने समझा, मैं जिस भी स्थिति परिस्थिति में रहता हूँ, यदि उसमें संगीत है, व्यवस्था है, हारमोनी है, तो ऐसा जीना मुझे सहज स्वीकार होता है, यही हमारे लिए सुख है। अंतर विरोध अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य होना, यही हमारे लिए दुख है। तो सुख और दुख को भी अपने अंदर समझने का हम लोगों ने प्रयास किया। फिर ये भी प्रयास किया कि सुखी होने के स्रोत कितने हैं। तो ये तीन मुख्य स्रोत हम लोगों ने अध्ययन किए और उसको दो भागों में बांटा। एक भाग वो जहाँ पर सुख की निरंतरता नहीं है, दूसरा भाग वो जहाँ सुख की निरंतरता संभव है, निश्चित तृप्ति बिंदु है, उसमें पूर्णता बिंदु है, निश्चितता है। एक में पूर्णता बिंदु भी नहीं दिखाई देती, निश्चितता भी नहीं दिखाई देती और निरंतरता भी नहीं दिखाई देती। यहाँ हम लोगों ने अपने भीतर ये ऑब्जर्व करने की कोशिश किया कि हम ज्यादातर सुख के लिए कौन से सोर्स पर निर्भर हैं, किस पर एफर्ट कर रहे हैं, व्हाइट एरिया में या येलो एरिया में। येलो एरिया पे काम कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम व्हाइट एरिया का पे ध्यान नहीं देंगे। तो हम दूसरे से जो भाव मिल रहा है उसको रीड तो करेंगे, लेकिन उससे हम सुखी होने के लिए रीड नहीं करेंगे, बल्कि उस आदमी की स्थिति को आकलन करने के लिए रीड करेंगे। हम संवेदनाओं का आकलन नहीं करेंगे, संवेदनाओं को रीड नहीं करेंगे, संवेदनाओं से जो शरीर पर प्रभाव आ रहा है उसको रीड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। उसको रीड तो करेंगे ताकि हम आसपास के वातावरण को के बारे जजमेंट ले पाए कि वो इस शरीर के पोषण संरक्षण के अर्थ में सही है या नहीं, या हमको उसमें कुछ बदलाव करना है। इसलिए व्हाइट में भी ऑपरेट होते रहेंगे, लेकिन येलो की क्लियरिटी के साथ हम व्हाइट वाले पार्ट का ठीक से सदुपयोग कर पाएंगे। तो इस पर बात हुई थी। फिर ये भी बात हुआ था कि यदि व्हाइट जो हमारे में सही समझ सही भाव वाला पक्ष पर हम ध्यान नहीं दे पाते, स्वभाव वाले मुद्दे पर ध्यान नहीं दे पाते, तो ज्यादातर समय हम सुखी होने की जगह ये जो क्षणिक सुख है जिसको आवेश भी कह रहे हैं उसको सुख मानकर बाहर से अनुकूल संवेदना या भाव पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं और उसके लिए असीमित सुविधा संग्रह करते रहते हैं और शेष प्रकृति पर भी बर्डन बनता रहता है। तो एक काम तो ये करते हैं। दूसरा, चूंकि उसमें सुख की निरंतरता नहीं है तो अपने भीतर एक बेचैनी होती है, एक खालीपन सा दिखता है, तो हम बार बार बाहर की तरफ भागते हैं, कुछ खाने लगते हैं, अधिक सोने लगते हैं, टीवी देखने लगते हैं, मोबाइल देखने लगते हैं, वीडियो देखने लगते हैं, रील्स देखने लगते हैं, तमाम तरह की एक्सटर्नल एक्टिविटीज में बार बार अपने को उलझाते हैं, क्योंकि हम अपने को बहुत फेस नहीं कर पाते, क्योंकि अपने अंदर अंदर बेचैनी है, खालीपन है। पर एक पॉइंट के बाद जब ये और एक्सट्रीम सिचुएशंस के तरफ जाने लगता है तो फिर जो नशे जैसी चीजें हैं, गुटखा है, शराब है, नशा है, इस तरह से की चीजों में भी उलझ जाते हैं और धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और दुर्घटनाएं जैसी चीजें बनने लगती है। तो सामान्यतः व्हाइट एरिया में सुखी होने के लिए ऑपरेट करते हैं अनुकूल संवेदना, अनुकूल भाव, वहां से बेचैनी होती है तो ब्लैक एरिया में भाग आते हैं, फिर वहां पर कुछ बेचैनी हो तो वापस व्हाइट एरिया में, तो इसी में स्वैप करते रहते हैं। तो इसको भी हम लोग अपने भीतर ऑब्जर्व करने की कोशिश किए कि हम अपने इस शरीर यात्रा में इन्हीं दोनों में तो नहीं स्वैप करते रह रहे। तो जो तीसरा पार्ट है जहाँ पर सुख की निश्चितता निरंतरता संभव है, वो भी हमारे ध्यान में है या नहीं और कितना हम इस पर ऑपरेट कर रहे हैं। और जितना हम ये येलो एरिया में ऑपरेट करते हैं उतना हम ये जो लूप बन गया है धीरे धीरे उस लूप से बाहर आ पाते हैं।
सुख की निरंतरता सही समझ सही भाव के आधार पर संभव है, ये बात ध्यान में आ सके, और हम अभी किस रूप में हैं ये बात ध्यान में आ सके, और हम अपने भीतर अपने जीने में इसको ऑब्जर्व कर सके, उस पर ध्यान देने के लिए कुछ अभ्यास भी हम लोगों ने किए थे। ये जो येलो एरिया है उसको स्वभाव कहा, जो व्हाइट एरिया है उसको प्रभाव कहा। तो जो चर्चा शुरू हुई थी कि सुख हमारे लिए स्वभाव है या प्रभाव है, इसको अब हम और क्लियरिटी के साथ देख सकते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने समृद्धि पर चर्चा शुरू किया, तो सुख के साथ साथ समृद्धि भी हमको स्पष्ट हो, ये समृद्धि क्या है। समृद्धि सिर्फ सुविधाओं का संग्रह कर लेना ही है, समृद्धि सिर्फ अपने दोस्तों से अधिक सुविधा जुटा लेना ही है, समृद्धि सिर्फ अपने संबंधियों से अधिक सुविधा जुटा लेना ही है, या समृद्धि कुछ और है। तो जब इसको अध्ययन करने गए तो ये बात ध्यान में आई कि दूसरों से अधिक, संबंधियों से अधिक, दोस्तों से अधिक, इसको जब पैमाना बना के सुविधा को जुटाने जाते हैं तो ये कभी भी अचीव नहीं हो पाता, क्योंकि ये बाहरी सोर्सेस से हम पैमाना तय कर रहे हैं और वो बदलता रहता है बाहर का जो सोर्स, इसलिए कभी भी हमारी समृद्धि डिफाइन नहीं हो पाती है। दूसरा, हम कई बार सुविधा की आवश्यकता को पहचानने पर ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ सुविधा इकट्ठे करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि कई बार हमारे भीतर एक मान्यता ऑपरेट करती रहती है कि जितनी अधिक सुविधा उतना ही हम समृद्ध, उतने ही हम सुखी। इस तरह के मान्यताओं को भी हमको समय समय पर अपने भीतर जांचने की जरूरत है कि पिछले 10 साल में, 20 साल में हमारे घरों में सुविधाएं कितने गुना बढ़ी, और जितने गुना सुविधाएं घर में बढ़ी हैं उतने गुना सुख भी घर में बढ़ा है कि नहीं, उतने गुना जो सुख के क्षण है वो भी हमारे परिवार में बढ़ा है कि नहीं। धीरे धीरे इसका क्लोज विश्लेषण करते हैं तो ये ध्यान में आता है ये जरूरी नहीं है कि अगर घर में सुविधाएं 10 गुना बढ़ गई हैं तो सुख के क्षण भी 10 गुना बढ़ गए। तो इस पर ध्यान जाता है कि मात्र सुविधाओं को एकत्रित कर लेने भर से समृद्धि का भाव नहीं आ सकता, तो उसके लिए सुविधा का आवश्यकता कितनी है परिवार में उसको भी आकलन करना जरूरी है, जिस पर बेसिक वर्कशॉप जब हम लोग करते हैं लेवल 1 का, UHV2 का, इस पर बहुत ही विस्तृत तरीके से बात होती है। फिर ये बात भी होती है कि जब हम सुविधा की आवश्यकता को पहचानने जाते हैं तो इस सुविधा की आवश्यकता को पहचानने का सोर्स क्या है, इस चीज को आधार बनाकर सुविधा की आवश्यकता को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी चीज को ध्यान दिलाने के लिए कल इस अभ्यास को आप लोगों के साथ साझा किया गया था कि पहली बात तो ये कि इसको जांच कर देखें कि हम सुविधाओं से सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं या शरीर की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा सुविधाओं को देखने का दृष्टि क्या है, एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। अगर सुख सुविधाओं से सुख को जोड़ कर देख रहे हैं तो सुविधा की आवश्यकता को पहचान पाना बहुत कठिन है, लगभग असंभव है। ठीक इसी तरह से ये जो भौतिक सुविधाएं हम शरीर की आवश्यकता की दृष्टि से देख रहे हैं तो ये ध्यान में आता है कि ये सुविधाएं शरीर के पोषण संरक्षण और सदुपयोग के लिए है, तो क्या हम भौतिक सुविधाओं को शरीर के पोषण संरक्षण और सदुपयोग के अर्थ में ही देख पा रहे हैं या किसी और उद्देश्य के लिए देख रहे हैं, जैसे सुविधाओं से सम्मान पाने का उद्देश्य तो नहीं है, सुविधाओं से दूसरे से हम ज्यादा ऊंचे हैं, ज्यादा श्रेष्ठ हैं ये साबित करने का तो नहीं, किसी ने हमारे साथ हीनता का प्रदर्शन किया कि हम हीन हैं क्योंकि हमारे पास सुविधा कम है, हम उसको ब्रेक करने के लिए तो सुविधा नहीं जुटा रहे। तो धीरे धीरे ये भी एक विश्लेषण का बिंदु था, अपने में जांचने का बिंदु था कि हम सुविधाओं को शरीर के पोषण संरक्षण और सदुपयोग के अर्थ में ही देख रहे हैं या किसी और अर्थ में। ठीक इसी तरह से तीसरा बिंदु भी था कि हम शरीर जो सुविधाओं की आवश्यकता को पहचानने जा रहे हैं उसका निर्धारण हमारा इनकम कितना है उसके आधार पर पहचान रहे हैं, या हमारी शरीर की आवश्यकता कितनी है उसको समझकर हम उसको पहचान रहे हैं। तो सुविधा की आवश्यकता अगर अपने इनकम के आधार पर आप पहचान रहे हैं तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है सुविधा की आवश्यकता और अधिक दिखाई देती रहती है, तो दरिद्रता का भाव यथावत बना रहता है भले हम 10 हजार से 2 लाख महीना क्यों ना कमाने लग जाए। तो इसको अपने भीतर जांच के देख लें कि आप कोई अगर 20 साल 15 साल सर्विस करते हुए हो गया है, अगर आप सर्विस क्लास में है तो, या बिजनेस में है किसी भी है, तो
आपका आय पिछले 10 साल में 20 साल में कई गुना बढ़ी। आय बढ़ने के साथ साथ आपकी सुविधा की आवश्यकता भी तो नहीं बढ़ती जा रही, अगर बढ़ती जा रही है तो इसका क्या आशय निकाला जाए? ये आप शरीर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तब सुविधाओं का निर्धारण कर रहे हैं या अपने इनकम के आधार पर सुविधाओं की आवश्यकताओं का निर्धारण करने में लगे? एक चौथा बिंदु ध्यान दिलाया गया था जो कि जो शुरुआती वर्कशॉप से USP1 और USP2 उसमें बहुत डिटेल रूप से बात होती है, जो कि सबसे बेसिक एक्सरसाइज है समृद्धि का, कि हम घर में सुविधाओं की आवश्यकता को पहचाने, कितना सुविधाएं हमारे पास है उसका भी एक बार जांच परख कर लें और जो है हम उसका कितना सदुपयोग कर पा रहे हैं। ये तीन काम महत्वपूर्ण है। फिर चौथा काम है कि जितना कम है उसको जुटा लें। तो सुविधा की आवश्यकता को पहचानना पहला काम, जो हमारे पास उपलब्ध है उसका एक तरह से आकलन कर लेना, फिर जो उपलब्ध है उसका सदुपयोग सुनिश्चित करना ये तीसरा भाग, फिर चौथा भाग जितना कम है उसको पूरा करने के लिए कार्यक्रम बनाना ये चौथा भाग। ये चार भाग को करते हैं, चार काम को, तो समृद्धि पर काम हो पाता है। तो आप अपने चेकलिस्ट में इसको लिख लें और चेक करें कि सुविधा की आवश्यकता को पहचानने का काम आपने परिवार में या कम से कम अपने लिए परिवार में ठीक से हो पाता है तो अपने लिए शुरू करें, फिर धीरे धीरे उसको परिवार में करें। तो इसको आप आवश्यकता को पहचानने का काम कर पाए हैं कि नहीं, कितना घर में ये सुविधाएं उपलब्ध है उसका आकलन कर पाए हैं या नहीं, और जो उपलब्ध है उसका सदुपयोग सुनिश्चित कैसे होगा, इसका प्रोग्राम स्पष्ट हो गया है या नहीं, और फिर जितने जितना कम है वो पूरा कैसे होगा उसके ऊपर कुछ आपने विचार कर लिया है कि नहीं। ये चारों चेकलिस्ट को आप समय समय पर चेक करते रहे। तो उदाहरण के तौर पर बार बार इसका उदाहरण दिया जाता है कि आपको कितने कपड़े की जरूरत है, वो आपने उस आवश्यकता को पहचान लिया है कि नहीं, वर्तमान में कितने जोड़ी कपड़े आपके पास हैं वो आपने आकलन कर लिया है कि नहीं, और जो कपड़े हैं उसका सदुपयोग आप सुनिश्चित कर पा रहे हैं या नहीं, या ऐसी स्थिति है कि कुछ कपड़े 3 साल से 5 साल से आपके पास रखे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपके पास वो कपड़े हैं, तो आप उसका कितना सदुपयोग कर पा रहे हो ये देख। आपके घर में आपके पास कितने जोड़ी जूते चप्पल है, कितने की आपको आवश्यकता है, तो आपके पास 10 जोड़ी जूते चप्पल, आप उसमें से कितने का सदुपयोग कर पा रहे हैं, कितने रखे ही रहते हैं और ये सदुपयोग कर रहे हैं तो उसका और ठीक से सदुपयोग करेंगे तो आपको कितना यूटिलिटी, कितना यूटिलाइजेशन टाइम निकाल पा रहे हैं। आपके पास 10 जोड़ी जूते हैं तो आप अगर दिन में 8 घंटे पहन रहे हैं, घर पे अगर स्लीपर पहन रहे हैं तो टोटल आपको दिन भर में 15 घंटे, 14 घंटे या 12 घंटे या 14 घंटे रोज पहनने की जरूरत है। आपके पास कितने घंटे के लिए उपलब्ध है, उसका कितने घंटे आप सदुपयोग कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे ध्यान जाएगा कि आवश्यकता को पहचानने का काम ठीक से हुआ कि नहीं, जो उपलब्ध है उसका आकलन ठीक से हुआ कि नहीं, और जो उपलब्ध है उसका आप सदुपयोग कर पा रहे हैं कि, फिर जो कम है उसकी भी लिस्टिंग ठीक से हो पाए, उसको कैसे पूरा करेंगे, उस पर काम होगा। सामान्यतः चारों में से हम पहले तीन को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते और चौथे पर जिंदगी लगाते रहते, पहले तीन को करने किए बिना चौथा में कभी भी पूर्णता बिंदु मिल नहीं पाते। इसलिए पूरे शरीर यात्रा एक टूटा हुआ गिलास हम भर रहे हैं, हर एक टूटा हुआ गिलास जैसा दिखता है जिसमें जितनी भी सुविधा डालो कभी भरता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि तेंदी टूटी हुई रहती है, क्योंकि उसके लिए जो पहले तीन काम करने हैं वो हमने नहीं किए। वो तीन काम फिर रिपीट करूंगा, सुविधा की आवश्यकता को पहचान लेना, कितना हमारे पास है उसका आकलन कर लेना, उसका सदुपयोग हम कितना कर पा रहे हैं इसको देख लेना। ये तीन काम करते हैं तो हमारा जो बेस है वो डिफाइंड होता है, तब जाकर के जो कम है उसके ऊपर काम शुरू करते हैं तो देर सवेर हम तृप्ति बिंदु तक, पूर्णता बिंदु तक पहुंच पाते हैं और समृद्धि के भाव को अपने में फील कर पाते हैं।
ठीक इसी तरह से जब ये वाला काम कर पाते हैं तब फिर आगे के और चीजों पर हमारा ध्यान जाता है कि भाई ये तो हो गया, जो घर में कपड़े की जरूरत है, बिस्तर की जरूरत है, कुर्सी की जरूरत है, जूते चप्पल की जरूरत है, सामान्य वाहनों की जरूरत है, ये सबका एक आकलन हो गया, इसका सदुपयोग कैसा हो गया, तब फिर आगे की और चीजों पर ध्यान जाता है अगले स्टेज में कि बच्चों की शिक्षा, उसका व्यवस्था होना है और इस पे लंबा समय लगना है, कितना खर्च होना है, बच्चों की शादियां होनी है उसके लिए कैसे करना है, शरीर का स्वास्थ्य निरंतरता में हम सुनिश्चित रख सके उसके लिए जो एफर्ट है वो करना है, उसके लिए कुछ धन संचय, जो स्वस्थ रहने पे अस्वस्थ होने पे जो खर्च होता है उसके लिए कुछ बैकअप, अपने परिवार के लिए रहने के लिए जो हमको आवास बनाना है उसके लिए कुछ खर्च, और एक समय के बाद जब हमारे पास बुढ़ापा आएगा, जब हम और नहीं कर पाएंगे उस समय जो खर्चे हैं वो कैसे मेंटेन होंगे, ये सारे मुद्दे हमारे लिए प्राइम ऑफिस में आ जाते हैं। जब हम पहला काम जो इससे पहले वाले बिंदु में मैं डिस्कस कर रहा था, सुविधा का आकलन, सदुपयोग और उसका पूर्ति, ये वाला जब ठीक से हम कर पाते हैं तब ठीक से इस वाले पे फोकस कर पाते हैं, नहीं तो पहला वाला ही नहीं होता है तो दूसरे पे बीच बीच में विचार करते रहते हैं, कुछ हो नहीं पाता है। तो एक बार उस पर अगर हम ठीक से काम कर लें तो इन बिंदुओं पर भी काम शुरू कर पाते हैं, तो ध्यान जाता है कि इसमें कितना काम ढंग से होगा, कितना काम संबंध से होगा और कितना काम सही समझकर अभ्यास करने से होगा। तो स्वास्थ्य के ही मुद्दे को देखें तो सिर्फ धन एकत्रित करके अस्वस्थ होने पर कुछ इलाज कराया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य की उसमें गारंटी नहीं, स्वस्थ रहने के लिए तीनों ही काम करना पड़ेगा, स्वस्थ कैसे रहें उसको समझना पड़ेगा, उसके लिए आहार विहार को ठीक करना पड़ेगा, श्रम व्यायाम करना पड़ेगा, आसन प्राणायाम करना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा, इसको करते हुए औषधि चिकित्सा का ठीक ठीक हमारे पास या तो सूचना हो या सही जगह से उसकी सूचना मिल सके, किसी अच्छे विशेषज्ञ से उसके साथ उसकी पहचान करनी पड़ेगी, इतना सब अगर कर पाते हैं तो स्वास्थ्य वाला काम हो पाता है। इसके लिए ऑफकोर्स कुछ धन की भी जरूरत रहती है, समझ की जरूरत तो है ही, लेकिन कितना भी धन आप एकत्रित कर ले उससे आप अपने आप इमरजेंसी को डील कर लेंगे, ये उसका शंका हमेशा दिखाई देता रहता है, तो ये ध्यान में आता है कि हम एक निश्चित मात्रा में धन तो इसके लिए अवश्य एकत्रित करें लेकिन साथ साथ संबंधों पे भी समय लगाएं, ताकि हमारे इस तरह के विपरीत परिस्थितियों में हमारे संबंधी भी हमारे साथ खड़े हों, हम भी उनके साथ खड़े हों और मिलजुल करके इन विपरीत परिस्थितियों को, जब स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज आते हैं, एक्सीडेंट है या कुछ और घटनाएं, तो उससे पार पाया जा सके। इस तरह से हर मुद्दे पर धीरे धीरे सोचा जा सकता है, काम किया जा सकता है, जैसे बच्चों की शादी का है तो 10 साल बाद 15 साल बाद उनकी शादी होनी है, तो उचित व्यक्ति का चुनाव कैसे हो घर में आने के लिए, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम बच्चे को कितना भी पढ़ा लिखा कर कमाने योग्य बना दें, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि उचित व्यक्ति का चुनाव हम नहीं कर पा रहे हैं तो सब एक समय लड़खड़ा जाता है, तो उसके लिए हमें एक तो हम और हमारे बच्चे ठीक से सही समझ, सही संबंध, सही सुविधा तीनों के लिए तैयार, लोगों के साथ 100 200 लोगों के साथ अगले 10 साल में हम संबंध को ठीक से बना सके, संबंध पूर्वक जी सके, तो एक पॉइंट पर जब बच्चों की शादी की बात आती है तो ये सभी लोग सहयोगी होते हैं और हमारे बच्चे के संस्कार के हिसाब से, हमारे परिवार के संस्कार के हिसाब से मैच होने वाले व्यक्ति को ढूंढने में सहयोगी हो पाते हैं और हम अपने बच्चे के लिए एक उपयुक्त जीवन साथी का चुनाव कर पाते हैं, या बच्चे को जो भी योग्यता देनी है कि वो अगर चुनाव करना चाहता है तो उसमें भी सही समझ हो, वो सारी दृष्टिकोण हो जिससे वो सही व्यक्ति का चुनाव कर सके, इन सब पर काम हो सकता है। फिर धीरे धीरे ये भी बात आती है कि शादी में कुछ खर्च होगा, उस खर्च को कैसे करेंगे, परंपरा में देखें तो शादी ब्याह एक सामाजिक कार्यक्रम होता रहा है जिसको समाज मिलजुल करके उस खर्च को व्यवस्थित करता रहा है, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले सामाजिक ढंग से ही ये शादी ब्याह होते रहे हैं, सारे कार्य सामाजिक ढंग से होते थे, सारे खर्च सामाजिक ढंग से मैनेज होते थे, इसलिए किसी भी परिवार पर ये लोड नहीं आता। आज के दिन अगर सारा खर्च हमको करना है, खुद कमा कर करना है तो कठिन काम है, लेकिन सामाजिक ताना बाना उलझ गया है तो ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं हो पाएगा, सारा खर्च हमको खुद से ही करना पड़ेगा, तो इसमें ऐसा लगता है कि इसको भी अगर समाधान निकालना है तो दोनों ही दिशाओं में काम करना पड़ेगा, कि शादी में वास्तविक खर्च कितना है और प्रभाव में आकर हमको कितना खर्च करना है।
के जो प्रभाव में आके खर्च कर रहे हैं उसको अगर हम ठीक ढंग से समझ लें तो उससे हम मुक्त हो सकते हैं। अगर हमारे अगले 10 साल में 150-200 लोगों तक एक संपर्क और संबंध का फैलाव आज हो जाता है, कम से कम ऐसे लोगों के साथ जो सही समझ सही भाव के साथ जीने के लिए प्रयासरत हैं, तो हम मिलजुल कर ऐसे शादी को प्लान कर सकते हैं जो प्रभाव से मुक्त है और वास्तव में वास्तविक खर्च है, जहाँ 1,000-500-800 लोग खाना खा रहे हैं उसकी व्यवस्था की जा सके। और जो अननेसेसरी प्रभाव के दबाव में जो खर्च हम कर रहे हैं उससे हम मुक्त हो सकते हैं, है ना। और फिर धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्थाओं पर भी काम हो सकते हैं कि वापस फिर ये जो सामाजिक फंक्शन है शादी वो सामाजिक तौर पे व्यवस्थित हो सके और आने वाली पीढ़ियां जो दबाव हम महसूस कर रहे हैं उस दबाव से मुक्त हो सके। धीरे धीरे इन सभी मुद्दों पर बात हो सकती है। शिक्षा को भी देखें तो शिक्षा भी समाज की जिम्मेदारी रही है, समाज ने इसकी व्यवस्था करती रही है परंपरा में। परिवार को बहुत इसके खर्च का जिम्मेदारी उठाने की सोचने की जरूरत नहीं रहती थी लंबे समय तक। हम में से बहुत सारे लोग ऐसी व्यवस्थाओं से ही पढ़ के आए हैं जहाँ बहुत ही नॉमिनल फीस पे किया है हम लोगों ने, जो भी 40-45 साल आयु वर्ग के हैं, चाहे इंजीनियरिंग किया है या मेडिकल किया है या जो भी इंटर तक की एजुकेशन, एक सरकारी व्यवस्था में एक नॉमिनल खर्च के साथ इसको कर पाए। लेकिन अभी देखने जाएंगे उससे और पीछे परंपराओं में तो भी सामाजिक ढंग से ये व्यवस्था चलती रही है, लेकिन आज के दिन ये दिखता है कि समाज उस जगह नहीं खड़ा है, तो ये खर्च भी परिवार पर आ गया है जो कि कठिन दिखाई देता है। तो इसके लिए भी हमें लगता है कि दोनों ही दिशाओं पर काम करने की जरूरत है हमको, खास तौर से इस पीढ़ी का, कि बच्चों की शिक्षा के लिए जो हम धन एकत्रित कर रहे हैं वो सब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ सामाजिक व्यवस्थाओं को कैसे ठीक किया जाए ताकि पुनः जो है सामाजिक व्यवस्थाओं को ठीक करने जाए तो जिस तरह का हम लोग ये सही समझ का काम कर रहे हैं ये धीरे धीरे सब संपूर्ण शिक्षक समुदाय तक जाए, कि आने वाली पीढ़ियां सही समझ सही भाव संबंध के साथ तैयार हो। तो बहुत सारे सरकारी स्कूल सरकारी विद्यालय जहां हम अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेजने को तैयार हो पाते कि वहां पर शिक्षा की वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही, जहां हम भेज रहे हैं वर्तमान में अन्य जगहों पर अपने बच्चे को। तो एक बार शिक्षकों के साथ सही समझ सही भाव संबंध पर ठीक से काम हो जाए तो सरकारी व्यवस्थाओं में भी विद्यालय बन गए हैं, फर्नीचर आ गए हैं, लैब आ गई है, तमाम कॉपी किताब सारी व्यवस्थाएं लगभग हो गई हैं, ज्यादातर जगहों पर तो पढ़ने के लिए बच्चे उपलब्ध भी। अगर हम सब शिक्षक मिलजुल करके समाज व्यवस्था में शिक्षकों के साथ ठीक ढंग से सही समझ सही भाव पर काम कर पाते हैं तो ठीक ढंग से देखेंगे तो हर जगह इंटर तक या और आगे तक जो स्कूल विद्यालय महाविद्यालय उपलब्ध है वहां पर एक जिम्मेदारी भरा वातावरण हो सकता है, पर अननेसेसरी खर्च जो हमको शिक्षा पर मजबूर होकर जो उसका एक लूप फंस गया है समाज में जो भी व्यापार हो जाने के कारण, उससे हम ठीक ढंग से समाज को समाज में एक व्यवस्थित दिशा में बढ़ने की तरफ सहयोग कर सकते हैं और उसमें ठीक करने की तरफ प्रयास कर सकते हैं। तो ठीक ढंग से देखें तो इस तरह से एक-एक मुद्दों पर एक बार हम ऊपर के अपने मुद्दे सुलझा पाते हैं तो धीरे धीरे जब हमारी एक टीम बनती है तो मिलजुल करके इन सभी मुद्दों पर हम काम कर पाते हैं। तो ये सारे मुद्दे आपके ध्यान में आ सके इसके लिए हम लोगों ने इस अभ्यास को आप लोगों के साथ साझा किया था और हमने फिर से पुनः इस पर एक तरह की बात रखी, और अब इस पर आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं मैं उसको जरूर लेना चाहूंगा। आप लोग उस पर अपने हैंड रेज करके अपनी बात रख सकते। जी भैया प्रणाम। नमस्ते जी। और बहुत जो अभी ध्यान आकर्षित कराया है बड़ा महत्वपूर्ण है, और मेरे ध्यान में ये बात आज तक नहीं आई थी। मैं लगभग जो है टीचर हूँ, 34 साल तो मेरी नौकरी हो गई है, और लगभग 20 साल से प्रिंसिपल भी हूँ, कि अगर सरकारी जो शिक्षण व्यवस्था है, टीचर्स जो है उनका सही समझ सही भाव व्यवस्था संबंध के साथ काम करें, अगर वहाँ एजुकेशन ठीक हो जाती है तो परिवार पर जो आर्थिक जिम्मेदारी है वो कितनी कम हो जाती है, उनको कम प्रयास करना पड़ेगा। ये बात मुझे आज आपने अभी कही तो इतनी गहरी मुझे मतलब अंदर गई है। मैं इस व्यवस्था को देख पा रहा हूँ कि अकेले
शिक्षण संस्थाओं की जो सरकारी ठीक हो जाने से कितने परिवारों पर जो आर्थिक बोझ कम हो रहा है, और इससे समाज में एक व्यवस्था बनेगी, परस्पर पूरकता बनेगी। ये बात मैं अभी जो मुझे जस्ट समझ में आई, मैं बहुत बहुत उसके लिए जो समझ के लिए आपके प्रति ऋणी हूँ। धन्यवाद भैया। अच्छी बात है भैया, आप लोग तो मध्य प्रदेश में बहुत सारा रिटायर होने के बाद भी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था कैसे और मजबूत हो सके उसके लिए आप लोग प्रयासरत हैं। मैं पिछले 4-5 साल से आपको देख भी रहा हूँ और वहाँ बहुत ही अच्छा योग संयोग भी बन गया है, पूरे देश में ही बन गया है मुझे लगता है। तो आपसे और भी अपेक्षा है कि आपके जितने भी रिटायर्ड साथी हैं या और साथी हैं उन सबका एक समूह बनाए, हम लोग मिलजुल करके जो वर्तमान एजुकेशन है उसको कैसे और प्रभावी और इस जगह बना सकें कि हमको अपने बच्चों को या उनके बच्चों को वहां भेजने के लिए कोई संकोच ना करना पड़े, बल्कि गर्व की अनुभूति हो कि हमने अपने बच्चों को सही जगह भेजा है। सरकार से भी जो सहयोग चाहिए सभी जगह मिल ही रहा है, हर तरह से वो आप देख ही रहे हैं, तमाम जगह सभी स्टेटों में ही एक तरह से शिक्षा को बहुत ही महत्व देकर उस पर खर्च किए ही जा रहे हैं। मुख्य भाग तो शिक्षकों में जो जिम्मेदारी का भाव, सही समझ सही भाव से आना है, उस पर काम करना है, जो आप लोग एक टीम बना के काम कर ही रहे हैं। मैं अपेक्षा करूंगा भैया कि आप उस पर और ठीक ढंग से, आप पति पत्नी दोनों उस पर काम कर रहे हैं, तो मिलजुल कर और जो जी रिटायर्ड प्रिंसिपल्स हैं उनका एक अच्छा समूह बनाए, हम लोग उनके जी साथ संवाद करें और वो हर जिले में हर ब्लॉक में ऐसे लोग मिलकर विद्यालयों में शिक्षकों के बीच में सही समझ सही भाव को स्थापित करने का कार्यक्रम बनाए और अगले 2-4-5 साल में हम लोग इस काम को धरातल पे ला सके, जहाँ लोगों को अपने परिवार के बच्चों को भेजने पर उन विद्यालयों में गर्व की अनुभूति हो। मैं अपनी तरफ से इतनी अपेक्षा आप लोगों से रखता हूँ और मुझे लगता है कि आप लोगों का जो शरीर यात्रा का जो शेष समय बचा है उसमें ये काम हो सके तो समाज जी व्यवस्था के लिए आप लोगों के शरीर कालखंड का एक बेहतर सदुपयोग होगा और आप लोगों के एक्सपीरियंस का भी ऐसा मुझे लगता है। इस पर आपका इनपुट जरूर सुनना चाहूंगा और बाकी साथी लोगों का भी इस पर जो टेक है उसको जरूर सुनना चाहूंगा। जी जी भैया, जी बढ़िया है और लगातार भैया हम लोग काम कर रहे हैं, जी। और यहाँ में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का एक्सीलेंस है, सीएम राइज है, उनमें जी। रेगुलर में जा रहा हूँ, बच्चों से संवाद कर रहा हूँ। जी और जी जैसे जहां मैं खुद प्रिंसिपल हूँ, जी रियली मैं देख पाता हूँ कि बच्चों में मतलब अपने आप चेंज हुआ है। उनके प्रस्ताव विधि के रूप में मैंने पिछले सेशन में एक शेयर किया था, मैं जब वहां जी पहुंचा तो मैंने सारे टॉयलेट्स वगैरह, क्योंकि बिल्डिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा था, टॉयलेट सब बच्चों ने तोड़ दिए थे या खराब थे, सब ठीक कराया मैंने, पूरा जी ठीक करा के दूसरे दिन पहुंचा तो एक जो है फ्लश एक बाथरूम का बच्चों ने तोड़ दिया था, दूसरे में हमारे स्टाफ ने ताला लगा दिया कि अब लड़कों के टॉयलेट बंद। तो मैं ज्यादातर पोर्च में बैठता हूँ, प्रिंसिपल रूम में कम बैठता हूँ, तो मैं बच्चे आते थे फिर बाउंड्री क्रॉस करके जाते थे। जी मैं एक दिन देखा, मैंने कहा ये तो उपाय ठीक नहीं है, उपाय है समाधान नहीं है। फिर मैंने बच्चों को इकट्ठा किया, फिर मैंने बातचीत की कि भाई ये पैसा कहाँ से आया, आपके गार्जियंस आपके पिता का ही पैसा है जो आप इसको खराब कर रहे हो, वो असुविधा भी आप ही को हो रही है, स्टाफ के लिए अलग से टॉयलेट है, प्रिंसिपल के लिए अलग से है, गर्ल्स के लिए अलग से है, वो तो सब अपनी सुविधाओं को उपयोग कर ही रहे हैं। तो बच्चों की जी समझ में आई, फिर मैंने चाबी बुला के उनको दी, मैंने कहा ये चाबी तुम्हारे पास ही खोलो और आज से जिम्मेदारी तुम लोगों की है। तो वो बात उनकी इतनी समझ में आई कि उसके बाद से लगभग ये 2 साल हो गया है, एकदम नीट एंड क्लीन रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों को प्रस्ताव विधि में जब बात करते हैं, उनकी समझ पर काम करते हैं, और ये भी देख पाते हैं कि उनकी योग्यता क्या है, उसको बढ़ाने में मदद करनी है, तो जी फिर काम तो होता है भैया। जी 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 और वही बच्चे, जी मैंने कहा जिस दिन तुम्हारे गार्जियंस ये कहेंगे कि मेरा बच्चा स्कूल जाके बदल गया, उस दिन मैं मानूंगा कि हम लोगों ने आपके साथ थोड़ा बहुत योगदान किया है। तो मैं जी गार्जियंस को भी बुलवाता हूँ, पूछता हूँ कि बच्चे में आपको कुछ चेंज आता क्या, उनके साथ भी फ्रिक्वेंटली मैं मीटिंग करते ही रहता हूँ भैया। जी जी बहुत बढ़िया भैया, अच्छा है। मध्य प्रदेश आना होगा तो आपसे फिर मिलना होगा भैया। जी भैया।
तो हम ये दर्शन में देख रहे हैं कि धीरे धीरे सब इवॉल्व हो रहा है, जैसे पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था, वहां से जीव अवस्था, वहां से ज्ञान अवस्था, और विकास क्रम से विकास और जागृति क्रम से जागृति। तो ये पूरी यात्रा जागृति की ओर जा रही है। फिर भी आपने जो बताया कि पहले जो शादियां होती थी तो पूरा गांव, पूरा समाज इसमें इवॉल्व होता था, इन्वॉल्व होता था, और ये खर्च खबर नहीं पड़ता था। मैं भी जब छोटा था तो ये मैंने भी महसूस किया है। ऐसे ही शिक्षण में भी होता है। हमारी जो गुरुकुल परंपरा थी तो वो जैसे बाबा जी कहते हैं कि भाई ये उपकार विधि से शिक्षा होनी चाहिए, तो होता था। तो अगर इसमें से हम आगे बढ़ना चाहिए तो हम पीछे क्यों लौट गए? ये सभी बातों में ये क्वेश्चन है। जी भाई, तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ भैया कि अभी जो भी वर्तमान स्थिति है, यदि हमको ये लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो जिन भी कारणों से हम यहाँ पहुंचे हैं उनका विश्लेषण तो अवश्य करें, लेकिन वहां से जो ठीक पोजीशन है, ठीक जगह है, वहां कैसे पहुंचेंगे, वो विश्लेषण ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसको करते हुए किन कारणों से हम वहां से यहाँ आगे, उसका विश्लेषण भी करना जरूरी है, ताकि फिर वही प्रॉब्लम दोबारा ना खड़ी हो कि अगर ठीक भी हो गया तो फिर लौट आए। तो मुझे लगता है इन दोनों का विश्लेषण जरूरी है। पहला विश्लेषण तो इस बात का कि अब जहाँ खड़े हैं वहां से ठीक जगह पर कैसे पहुंचेंगे और वो ठीक जगह क्या है, उसको करते हुए कारणों का भी विश्लेषण कर लिया जाएगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो अभी तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा भैया। जी, यह मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो ही ये सब इस तरफ हमें ले जाती है, ऐसा लगता है। तो इसमें अगर ये जैसे हम दर्शन से सोचते हैं कि इस तरह का शिक्षण होना चाहिए तो लगता है वो सही हो सकता है। ठीक है, तो ठीक ढंग से देखेंगे तो अगर स्वभाव सुख है ये स्पष्ट नहीं हुआ तो प्रभाव को सुख मान लेते हैं, पर प्रभाव से सुखी होने के लिए हम दूसरों से भाव पाना पाके सुखी होने का प्रयास करते हैं, या फिर सुविधाओं के माध्यम से संवेदना पाकर सुखी होने का प्रयास करते हैं। और जब से उतना जी को ही सुख के रूप में देखते हैं तो हमारी सारी शिक्षा अधिक से अधिक सुविधा जुटाने पर केंद्रित हो जाती है, और फिर शिक्षा इस पर भी केंद्रित हो जाती है कि शिक्षा लेते समय भी हमारी संवेदनाओं में कोई बाधा ना आए और दूसरों से भाव उसके नाम पर भी मिलता रहे कि हम इतने महंगे विद्यालय में हैं, उसका उससे भी भाव मिले और वहां पर तमाम एसी हो, तमाम तरह की वो सुविधाएं हो जहां पर हम संवेदनाओं को हमारे बच्चे भोग सके। तो सारी जी शिक्षा व्यवस्था प्रभाव से सुखी होने के इर्द गिर्द डिजाइन हो जाती है। एक बार ध्यान में आए कि स्वभाव सुख है तो हम अपनी अगली पीढ़ी को स्वभाव से सुखी होने के स्रोत से परिचय करा पाएंगे, उसके लिए प्रयास करा पाएंगे, अभ्यास करा पाएंगे, शिक्षा व्यवस्थाओं को ऐसा डिजाइन कर पाएंगे और सुविधा के सदुपयोग के तरफ ध्यान दिला पाएंगे और विद्यालयों में, महाविद्यालयों में उसी तरह का वातावरण उपलब्ध करा पाएंगे, तो फिर धीरे धीरे चीजें ठीक जो है वो स्थापित भी। तो अगर कारण को जी मुझसे आप कहेंगे तो ये मुझे कारण दिखाई देता है और उपाय भी यही दिखाई देता है कि प्रभाव से सुखी होने की जगह ये जो स्वभाव है वो सेंटर में आए तो ज्यादा स्थायी रूप से शिक्षा व्यवस्था ठीक होके काम कर पाएगी। मतलब अगर आप जी दोनों जी पर मेरे से मेरा व्यू चाहे सुने, मतलब पूछेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है। भैया, जी भैया, मुझे भी ऐसा ही लगा कि जब हम ये इस तरह से अंदर के स्वभाव से सुखी होना चाहते हैं, जब सुनते हैं, ऐसी शिविर करते हैं, तो पूरा मन बन जाता है। जब मगर बाहर का जो माहौल देखते हैं तो ये हमारा जो है स्टेट ऑफ माइंड वो बिगड़ जाता है। जैसे कि हमने 15 दिन का वो शिविर कानपुर में किया तो वहाँ का जो माहौल था, वहाँ का जो पर्यावरण था, तो इससे पूरा मन ऐसा लगता है कि यही सही बात है। मगर जैसे हम वापस अपनी दुनिया में आ गए तो आजू बाजू की जो चीजें हैं वो नहीं चाहने के बाद भी प्रभावित करती है, ऐसा मुझे अंगत जी भैया, लगता है, पर्सनली लगता है। जी तो ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं रमेश भैया कि जब तक हम स्वभाव को
अपने में समझकर वैसा भाव अपने में स्थापित नहीं कर पाए हैं, तब तक ये प्रभाव बार बार हम पे हावी होता रहता है। तो हम जब इसको समझने के काम में लगते हैं 10 20 50 100 लोगों के साथ किसी एक जगह 10 दिन 15 दिन महीने भर, तो वहां पर चूंकि स्वभाव को ही सेंटर में रखकर जीने का अभ्यास हो रहा है, उसी पर चर्चा हो रहा है, उसी पर विचार हो रहा है, उसी पर सब सारा प्रक्रिया चल रहा है, तो बड़ा आसान सा लगता है स्वभाव की जगह पर आकर वैसा जीना। लेकिन जैसे ही दूसरी जगह जाते हैं जहां पर ऐसे लोग नहीं है, ऐसे एफर्ट नहीं हो रहे हैं, तो दिन में जो हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं वो तो प्रभाव केंद्रित होने लगते हैं, तो वापस फिर वहीं पर हम शिफ्ट हो जाते हैं और अपने में अभी स्वभाव वाला काम हो नहीं पाया। इसके लिए जो उपाय किए जा सकते हैं उस पर समय समय पर चर्चा होती ही है, मैं फिर से एक बार चर्चा कर देता हूँ। जैसे ये मॉर्निंग एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, ये भी उसका एक तरह का उपाय है कि कम से कम 2 घंटा या कम से कम 1 घंटा तो हम स्वभाव पर केंद्रित चर्चा कर पाए, अभ्यास कर पाए, फिर दिन में कभी 1 घंटा कर पाए, तो 1 2 घंटा तो हमारे अंदर स्वभाव को केंद्र में रखकर जो जीने का काम है वो हो सके, वो सेंटर में रह सके। जितना जितना ये मजबूत होगा बाकी के 22 घंटे भी एक तरह से उस पर उसका असर आएगा और धीरे धीरे उसमें भी हम स्वभाव तक स्थापित हो पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जहां भी हम रह रहे हैं धीरे धीरे वहां भी 2 4 10 लोग हमको ऐसे चिन्हित हो जाए जो इस तरह के स्वभाव को समझकर वैसा जीने के अभ्यास में लगे हैं, तो हम लोग अगर सप्ताह में 2 घंटा 4 घंटा कभी मिल पाए, मिल बैठ कर आपस में सप्ताह भर के अध्ययन का अभ्यास का निष्कर्ष आपस में साझा कर सके, मिलजुल कर उस पर चर्चाएं कर सके, तो ये और गहरा होता है। और धीरे धीरे हमारे परिवार में यदि इस बात की स्वीकृति बन जाए हमारे जीने के आधार पर या हमारी चर्चाओं के आधार पर कि हमको स्वभाव ही सुख है, तो स्वभाव के लिए जो सही समझ है उसको सुनिश्चित करना होगा, भाव सुनिश्चित करना होगा, पूरा परिवार ही सही समझ सही भाव से जीने को सेंटर में ले आए, तो अपने पूरे परिवार का ही वातावरण धीरे धीरे ऐसा हो जाता है, तो हम सब एक दूसरे के लिए दिन भर सहयोगी हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे वातावरण से आप गए हैं आपके परिवार का ही वातावरण ऐसा हो जाता है, और जितना आप उसमें सफल हो पाते हैं उतना आपका जो स्थिरता है उस पर बढ़ता चला जाता है। तो उपाय के रूप में तो मुझे इतना दिखता है। जी जी भैया जी, धन्यवाद। ठीक है रमेश भैया, तो अब मैं तो इस पर और भी जो ऑब्जर्वेशन आप लोगों के होंगे उस पर आने वाले दिनों में बात करेंगे। आज कुछ और बातों को भी मैं साझा कर देता हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया कि मानव की जो मूल चाहना है वो क्या है। तो मानव की मूल चाहना सुखी होना, समृद्ध होना और उसकी निरंतरता है। तो मानव की मूल चाहना निरंतर सुख समृद्धि है, जिसमें सुख हार्मनी को समझकर हार्मनी में जीना ही सुख है, समृद्धि आवश्यकता को पहचान कर उससे अधिक की उपलब्धि या उत्पादन का भाव है। तो सुख और समृद्धि को समझकर अब हम उसके पूर्ति के लिए जब कार्यक्रम को देखने जाते हैं तो ये ध्यान में आता है कि मानव की ये जो मूल चाहना है निरंतर सुख समृद्धि, उसकी पूर्ति के लिए सही समझ सही भाव और सुविधा, ये तीनों ही जरूरी है। इन तीनों के योगफल में ही ये मूल चाहना की पूर्ति हो सकती है। तो इसी तीनों को आधार बनाकर जीने को ही कहा मानव चेतना में जीना। सिर्फ सुविधा को आधार बनाकर जीने का जो प्रयास है उसमें पशुओं की आवश्यकता पूरी हो सकती है, जीवों की आवश्यकता, अन्य जीवों की आवश्यकता पूरी हो सकती है मानव के अलावा जो है, तो इसलिए उसको कहा एनिमल कॉन्शियसनेस, जीव चेतना। तो यदि लोग आज के दिन आसपास का वातावरण ऐसा हो गया है कि सुविधा प्रभाव से सुखी होने के कारण सुविधा ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और सुविधा से ही पूरी व्यवस्था चलाने का प्रयास हो गया है, तो ये जो चेतना का स्तर है जीव चेतना पर है वहां से सही समझ सही भाव सुविधा ये तीनों ही आधार के रूप में दिखने लगे, अर्थात मानव चेतना में ट्रांसफर हो सके, ये जो संक्रमण है ट्रांसफॉर्मेशन है एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस, उसके लिए मानवीय शिक्षा संस्कार आवश्यक है। मानवीय शिक्षा संस्कार के माध्यम से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, अर्थात हम सही समझ संबंध और सुविधा तीनों के लिए शिक्षा के माध्यम से तीनों को समझ सके, अभ्यास कर सके और अंतत्वगत वैसा जी सके,
इसके लिए ऐसे मानवीय शिक्षा संस्कार की जरूरत है। इसी बात को कह रहे हैं कि अगर सिर्फ सुविधा सेंटर में है तो सिर्फ उसी को कह रहे हैं एनिमल कॉन्शियसनेस। समझ, संबंध, सुविधा तीनों ही हमारे आधार के रूप में, हम तीनों के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे चेतना को ही कह रहे हैं मानव चेतना। चेतना में ट्रांसफॉर्मेशन हो सके इसके लिए शिक्षा संस्कार इस अर्थ में होना जरूरी है। शिक्षा संस्कार के माध्यम से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आदमी का ध्यान आकर्षण कराया जा सकता है कि प्रभाव से निरंतर सुखी नहीं हुआ जा सकता, उसके लिए स्वभाव जरूरी है। और एक बार स्वभाव से सुख को सुनिश्चित करते हैं तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर के पोषण संरक्षण और सदुपयोग के लिए सुविधा की आवश्यकता को पहचान कर उससे अधिक को जुटाने का कार्यक्रम बनाया जा सकता है, तो सुख और समृद्धि को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके लिए समझ, संबंध और सुविधा तीनों पर ही काम करना आवश्यक लगता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे ध्यान में आ सके इसके लिए शिक्षा संस्कार इन तीनों पर, शिक्षा संस्कार में समझ, संबंध और सुविधा इन तीनों पर ही काम होना आवश्यक लगता है। आप भी इसको अपने में एक्सप्लोर करके देखें। ये जो मानव की मूल चाहना है, सुख समृद्धि और उसकी निरंतरता, वो सिर्फ सुविधा से हो पाएगी या उसके लिए समझ, संबंध और सुविधा तीनों जरूरी है। और आप अपने जो प्रयास हैं उसको तीनों के लिए कर रहे हैं या आपका प्रयास किसी एक पर फोकस? और अगर तीनों के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? समझ 1 नंबर पे, संबंध 2 नंबर पे, सुविधा 3 नंबर पे है, या ये क्रम कुछ और है? तो इसको अपने भीतर जांचने की कोशिश कर सकते हैं और आप इसके ट्रांसफॉर्मेशन को अपने में सुनिश्चित करने के लिए किस तरह का कार्यक्रम बना पा रहे हैं उसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो इन सभी को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि किस तरह से हम इस ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम बनाएं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। धीरे धीरे हम लोग आने वाले सत्रों में इस पर भी चर्चा करेंगे कि सही समझ का क्या मतलब है, कितना फैलाव है, संबंध का क्या मतलब है और कितना फैलाव है, इसी तरह से सुविधा का। तो सही समझ को देखने जाते हैं। सही समझ का मतलब है कि हारमोनी की स्पष्टता, चारों स्तर पर जो हमारा जीना है, मानव, परिवार, समाज, प्रकृति और अस्तित्व, तो स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक हारमोनी की स्पष्टता हो सके, इसको सही समझ का। फिर दूसरे मानव के साथ संबंध में सही भाव हो और उसको हम व्यवहार में एक्सप्रेस कर सके, मूल्यांकित कर सके, ऐसा व्यवहार को कहा न्यायपूर्ण व्यवहार। संबंध में हम न्यायपूर्ण व्यवहार कर सके और वो तभी हो पाएगा जब मानव मानव संबंध में जो भाव है, सहज स्वीकृत भाव है, वो हमको समझ में आ जाए और वैसा हम अपने में सुनिश्चित कर सके, उसको एक्सप्रेस कर सके, उसको मूल्यांकित कर सके। कहाँ से कहाँ तक? परिवार से लेकर विश्व परिवार तक। इसके परिणाम स्वरूप म्यूचुअल हैप्पीनेस होता है और ये अनडिवाइडेड सोसाइटी की तरफ बढ़ता है। ठीक उसी तरह से जब लार्जर ऑर्डर में पार्टिसिपेशन करते हैं तो प्रकृति के साथ हम प्रकृति का ध्यान रख सकें, अपनी सुविधा की आवश्यकता को पहचान सके और प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता के भाव के साथ जीने का कार्यक्रम बना सके, परिवार से लेकर विश्व परिवार तक। तो इससे म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी होती है और यही सार्वभौम मानवीय व्यवस्था के तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। तो धीरे धीरे इन सब पर हम लोग आने वाले सत्रों में चर्चा करेंगे। उस पर जो आप लोगों के ऑब्जर्वेशंस होंगे उसको एक एक करके लेंगे। आज तो इतनी ही बात हम लोगों को चर्चा करनी थी, तो मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ।